विजय भाटिया घर से टीम जो है शाम 5 बजे के आसपास रवाना हो चुकी है पूरी जांच करके। इसके अलावा पप्पू ढिल्लन के घर पर दोपहर तक ये खबर थी, तो प्रेस रिलीज आ गई है ईओडब्ल्यू और एसीबी की ओर से, जिसमें बताया गया है कि इन 21 ठिकानों पर क्या कुछ उन्हें मिला है। और 21 ठिकानों में आपको ये बता दें कि वो 21 ठिकाने कहाँ कहाँ हैं। पप्पू बंसल और विजय भाटिया दोनों पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफी करीबी रहे और दोनों कांग्रेस सरकार में काफी पावरफुल माने गए थे। इसके अलावा एक और खबर थी, एपी त्रिपाठी जिसे कहते हैं, वो इस शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया है। तो ईओडब्ल्यू की टीम जो है बिहार रवाना हुई थी, चूंकि विजय भाटिया घर को आपने देखा, विजय भाटिया घर पे शाम 5 बजे, जैसा कि आसपास के लोग बता रहे हैं और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शाम 5 बजे के आसपास विजय भाटिया के घर से ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम रवाना हो चुकी है, जिसमें बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सबके मन में सवाल होगा कि आज एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू की टीम ने सुबह से रेड मारकर कार्रवाई की है, तो इस कार्रवाई में क्या कुछ निकला होगा। तो तस्वीर में जिस घर को देख पा रहे हैं, ये विजय भाटिया का घर है, और इसके अलावा यहाँ से थोड़ी दूर पर जो है पप्पू ढिल्लन का भी घर है। इसके अलावा यहाँ से कुछ ही दूर पर जो है कुर्सी पार में जो है पप्पू बंसल का घर है, जिनके यहाँ पे आज सुबह जो है धूप आने से पहले, सूर्य की किरणें आने से पहले ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम आई हुई थी। और इस वक्त जो है मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, तो विजय भाटिया घर से टीम जो है शाम 5 बजे के आसपास रवाना हो चुकी है पूरी जांच करके। इसके अलावा पप्पू ढिल्लन के घर पर दोपहर तक ये खबर थी कि टीम नहीं आई ही है, लेकिन चर्चा थी आई होगी, तो हमने कंफर्म किया वहाँ पे टीम आई हुई है। अभी भी पुलिस की टीम और ईओडब्ल्यू की टीम जो टीम आई है जांच करने के लिए, वो वहाँ पे मौजूद है और जांच कर रही है। टोटल 21 स्थानों पर जो है ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने शराब घोटाले मामले में, जो ईओडब्ल्यू में केस दर्ज है, उस मामले में जिनके खिलाफ आरोप है, जिनके ऊपर आरोप है, जिनके नाम से एफआईआर दर्ज है, तो उन जगहों पर, उनके घरों पर, जो उनके ठिकानों पर जो है आज टीम सुबह सुबह के आस पहुँची थी। लगभग 5 बजे के आसपास टीम बताई जा रही कि अंदर आई थी सभी घरों में। और पप्पू बंसल, जिसके घर पर पप्पू बंसल नहीं मिले, तो उनके घर पर जो है उसे घर को सील कर दिया गया है और नोटिस चस्पा कर दिया गया है। स्क्रीन पर आप उसे देख पा रहे होंगे। तो आपके मन में भी सवाल था और हमारे मन में भी बहुत सारे सवाल थे कि ईओडब्ल्यू की टीम और एसीबी की टीम को वहाँ क्या कुछ मिला है। तो प्रेस रिलीज आ गई है ईओडब्ल्यू और एसीबी की ओर से, जिसमें बताया गया है कि इन 21 ठिकानों पर क्या कुछ उन्हें मिला है। और 21 ठिकानों में आपको ये बता दें कि वो 21 ठिकाने कहाँ कहाँ हैं। तो ईओडब्ल्यू की ओर से जो प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें बताया गया है कि आबकारी मामले में ब्यूरो के अपराध क्रमांक 4/2024 धारा 7 बा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम धार 420, 467, 468, 471, 120 BIPC की धारा के तहत जो है विवेचना में लिया गया था। और इसीलिए 11 अप्रैल को जो है रायपुर में 9 ठिकानों पर, दुर्ग भिलाई में 7 ठिकानों पर, राजनांदगांव में 4 ठिकानों पर, बिलासपुर में 4 ठिकानों पर, इस प्रकार टोटल जो है 21 ठिकानों पर जो है शराब घोटाले में जो आरोपी संलिप्त है, जिनके नाम सामने आए हैं, जिनका कनेक्शन शराब घोटाले से है, उनके घरों पर रेड मारकर कार्रवाई की गई है। और ईओडब्ल्यू की ओर से प्रेस रिलीज में बताया गया है कि कार्रवाई की तलाशी ली गई, तलाशी पर जो है लगभग 19 लाख रुपये कैश बरामद किए गए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे लैपटॉप, पेन ड्राइव, बैंक स्टेटमेंट, चल अचल संपत्ति संबंधी दस्तावेज, करोड़ों के आभूषण यानी कि ज्वेलरी, बैंकों में करोड़ों के निवेश के अलावा उन अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, जिनका परीक्षण किया जा रहा है, ऐसा ईओडब्ल्यू की प्रेस रिलीज में बताया गया है। इसके अलावा इन दस्तावेजों में आबकारी से अर्जित अवैध संपत्ति के सामान्य निवेश और सेल कंपनियों के माध्यम से लेरिंग, अनसिक्योर्ड लोन और निवेश संबंधी दस्तावेज शामिल है, जैसे कि ईओडब्ल्यू ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया है कि दस्तावेज तो मिले हैं 21 ठिकानों पर जो कार्रवाई की गई है, इन जगहों पर कुछ ना कुछ, बहुत कुछ मिला है। तो इस दस्तावेजों के आधार पर, जो चीज़ें मिली हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई और तेज़ होने वाली है, यानी कि ईओडब्ल्यू जो है इस कार्रवाई को और तेज़ी से बढ़ाने वाली है। आपको बता दें कि ईडी भी इस मामले की जांच कर रही थी, तो ईडी के आवेदन के आधार पर जो है ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया था, और उस केस दर्ज करने के बाद जो है इस कार्रवाई में, इस घोटाले की जांच में काफ़ी कुछ आगे बढ़ चुका है। आपको बता दें कि पप्पू बंसल के घर पर जो है कुर्सी पार में है, उसके घर पर आज पप्पू बंसल नहीं मिला, नहीं मिलने की वजह से जो है उसके घर को सील किया गया है। और विजय भाटिया घर को आपने देखा, विजय भाटिया घर पर शाम 5 बजे, जैसा कि आसपास के लोग बता रहे हैं और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शाम 5 बजे के आसपास विजय भाटिया के घर से ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम रवाना हो चुकी है, जिसमें बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं। और पप्पू बंसल और विजय भाटिया दोनों पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफ़ी करीबी रहे और दोनों कांग्रेस सरकार में काफ़ी पावरफुल माने गए थे, तो कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन था, इसका कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। इसके अलावा एक और खबर, अरुणपति त्रिपाठी, एपी त्रिपाठी जिसे कहते हैं, वो इस शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया है। तो ईओडब्ल्यू की टीम जो है बिहार रवाना हुई थी, चूंकि ईडी ने उसे हिरासत में लिया था, हिरासत में लेने के बाद वो जमानत पर बाहर आया, जमानत पर बाहर आने के बाद वो फरार चल रहा था,
तो फरार चलते चलते जो है आज ईओडब्ल्यू की टीम ने बिहार से उसे हिरासत में लिया है, ऐसी खबर है, लेकिन कंफर्म इसे कोई नहीं कर रहा है, तो इसलिए भी कंफर्म नहीं करते, ऐसी चर्चा है। इसके अलावा और भी जो लोग नाम सामने आए थे, भिलाई में अतुल सिंह के यहाँ जो है स्मृति नगर सड़क 12 में उसके यहाँ पे भी कार्रवाई की गई है, ईओडब्ल्यू की टीम वहाँ भी पहुँची थी। तो टीम की जो सोर्स है हमारे जो ईओडब्ल्यू और एसीबी में है, उन्होंने बताया है कि अतुल सिंह को जो है हिरासत में लिया गया है, कस्टडी में लिया गया है, तो उससे पूछताछ की जा रही है, ऐसी चर्चा है। इसके अलावा इस मामले में जो भी अभी लगातार अपडेट आ ही जा रहे हैं, तो कई आपको बता दें त्रिपाठी के बारे में, आपको बता दें कि एपी त्रिपाठी जो मास्टरमाइंड है वो कौन है, तो आपको बता दें कि लगभग जो है एपी त्रिपाठी डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहने के दौरान छत्तीसगढ़ में प्रतिनियुक्ति पर आए थे, उस समय भी इनकी सेवा आबकारी विभाग में ली गई थी। सरकार बदलने के बाद भूपेश बघेल सरकार में एपी त्रिपाठी की रवानगी की चर्चा चल रही थी, लेकिन एपी त्रिपाठी को भूपेश बघेल की सरकार में आबकारी विभाग के नीति नियंता के रूप में विशेष सचिव पद पर उन्हें बिठा दिया गया था, यानी कि टोटल जो है आबकारी विभाग के कर्ता धर्ता के रूप में उन्हें बिठाया गया था। इसके अलावा पप्पू ढिल्लन के बारे में बता दूं कि पप्पू ढिल्लन के निवास पर जो है अभी भी कार्रवाई जारी है, ईओडब्ल्यू की टीम और एसीबी की टीम वहाँ पर मौजूद है, कई दस्तावेज उन्हें मिले हैं, तो ईओडब्ल्यू की टीम जो है जाँच कर रही है और आगे जो है इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन मन में सवाल था कि 21 ठिकाने जो हैं वो कौन कौन से ठिकाने, तो आपको हमने बता दिया है कि 21 ठिकानों जो है कार्रवाई टोटल जो है राजनांदगांव में 4, दुर्ग भिलाई में 7, रायपुर में 9, बिलासपुर में 4, इस प्रकार टोटल जो है 21 अलग अलग ठिकानों में ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने रेड मारकर कार्रवाई की है। जरूरी दस्तावेज मिले हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई आगे जारी रहेगी। ये भी दस्तावेज मिले हैं कि कई जगह पे इन्होंने निवेश किया है, कई शेल कंपनी उन्होंने बनाई है, शेल कंपनी बनाकर जो है पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ऐसा आरोप और ऐसा प्रेस रिलीज में लिखा गया है। तो इस विषय पर जो भी अपडेट होगा हम आपको आगे बताएंगे, इसमें कल क्या आता है ये भी बताएंगे। पहली बार जो है पप्पू बंसल विजय भाटिया की तस्वीर भी सामने आई है, तो वो तस्वीर भी आपने स्क्रीन पर देखा होगा, एपी त्रिपाठी की तस्वीर भी आपने देखा होगा। तो इस विषय पर जो भी अपडेट होगा आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मेरे साथ खुशवंत है।